नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बढ़िया पाम का एनालिसिस करेंगे। देखते इस पाम में क्या क्या खासियत है। सबसे पहले जो नज़र आती है इस पाम का कलर। जब इस तरह का गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा रहती है। हाँ, उनका हाथ खर्च ज़्यादा रहता है, यानी पर्सनल एक्सपेंस ज़्यादा रहता है, पर ये कलर बहुत सारा धन खींच कर जीवन में देती है देता है। अब इनके पाम की साइज देखते हैं, स्क्वायरिश है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, मेहनत कर अपना कार्य पूरा करता है। इनका अंगूठा भी स्ट्रांग है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं और कमज़ोर भी नहीं, मध्यम पर्सनालिटी होगी इनकी। और यहाँ से मूड रहा है तो व्यक्ति मित्रता भाव रखने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे लोगों के मित्र काफ़ी होते। अब इनकी उंगली, गुरु की उंगली बैंड हो रही है शनि पर्वत की ओर, तो धार्मिक भावना भी अच्छी खासी होती है। और ये जब दो उंगलियां बहुत ज़्यादा निकट रहती है तो ऐसे लोगों को हो सकता है अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता, इस तरह की मानसिकता भी बनती है। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच रही है, थोड़ी सी कम रह रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, ये सभी वस्तुओं में थोड़े से कमज़ोर पड़ते होंगे। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े से कमज़ोर पड़ते होंगे जीवन में। और सबसे अच्छा पार्ट, अगर किसी का पाम आता है और उसके जीवन में वेल्थ देखनी हो तो पहले इस पार्ट पर नज़र रखिए। ये पार्ट अगर किसी का बड़ा है तो उसका जीवन वेल्दी होता है, उसके बाद साइनें आती है। ये पार्ट पर पहले नज़र जानी चाहिए तो ये पार्ट अच्छा खासा है। और इनके बहुत सारे चिन्ह हैं, ऐसे पॉजिटिव चिन्ह हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं। और जैसे जैसे ये लालिमा होती है ग्रहों पर तो ये भी व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्त करने में, प्रॉस्पेरिटी लाने में अच्छी खासी भूमिका होती है। अब चलते इनके बुध पर्वत पर। बुध पर्वत अपने आप में उठा हुआ है तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, कम्युनिकेशन में भी एक्सपर्ट होता है, प्लस वाणी साफ होती है उसकी और सुंदरता व्यक्ति को मिलती है इस बुध पर्वत के कारण। और बिजनेस एक्यूमन ऐसे लोगों में अच्छा खासा होता है, बिजनेस सेंस अच्छी खासी होती है। और यहाँ पर इनकी बुध रेखाएं जो चल रही है उस बुध रेखाओं को एक रेखा काट रही है, हो ना हो ये जिंदगी के किसी मोड़ पर अकड़ साइंस का ज्ञान लेंगे, जैसे फेंशुई है या पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, कोई भी इस तरह का साइंस, टैरो है, कोई ना कोई एक साइंस का ये मास्टर बनेंगे। और ये रेखा जो इनको काट रही है ये हो उस चीज से ये पैसा भी कमाएंगे, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उस वस्तु से ये पैसा भी कमाएंगे, यानी उस साइंस का यूज़ करके पैसा भी कमाएंगे, उसकी ये साइंस है। आज इनकी उम्र 36 साल है, आज इनको ये पता नहीं चल रहा होगा पर ये साइन इनको भविष्य न के अंदर कोई ना कोई उस गुण ज्ञान के ज्ञानी बनाएगी और उससे अर्निंग भी ये जीवन में करेंगे। दूसरा प्लस पॉइंट है, इनके पाम पर एक क्लियर कट शुक्र वलय बन रहा है, यहाँ तक चला और यहाँ से एक और लाइन चल रही है और इस तरह से शुक्र वलय बनता है। ये कम्प्लीट ही बोला जाता है क्योंकि जहाँ टूट रही है वहाँ नीचे से और रेखा है, तो ये एक तरह से कम्प्लीट शुक्र वलय ही कहा जाता है। जब इस तरह का शुक्र वलय किसी के जीवन में होता है तो व्यक्ति के पास आम इंसान से बहुत ज़्यादा धन आता है, बहुत ज़्यादा धन आता है। ये 36 इयर्स की भी होगी तो इनको बार बार पैसा कमाने का मन करता होगा इस साइन के कारण। और ऐसे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते अपने जीवन में, तो हो ना हो इनके मन में भी, अब मुझे ये पता नहीं ये हाउसवाइफ है, काम करते ही इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर हो ना हो ये साइन इनको पैसा कमाने की ओर आकर्षित करती हो। और ऐसे लोगों की ये साइन वाले व्यक्ति के जीवन में अपार धन आता है, बहुत सारा धन आता है।
अब चलते इनके शनि सूर्य पर्वत पर। पर सूर्य पर्वत पर चलने के पहले और एक धन की साइन दिखाता हूं, जो ये इस तरह का शेप किसी के हाथ में भी जब बनता है, ये एक तरह का, जब ये शेप बनता है व्यक्ति के पाम पर, तो ये शेप भी अच्छा खासा ह्यूज लेवल का वेल्थ देता है। ह्यूज लेवल, ह्यूज में और चार ऐड कर दो तो भी चले, इतना सारा धन व्यक्ति के जीवन में आता है इस साइन के कारण। इस साइन का मुझे नाम नहीं मालूम, पर यह साइन ह्यूज लेवल का धन व्यक्ति के जीवन में झोली में देता है। अब इनके सूर्य पर्वत पर देखते हैं क्या क्या निशान है। एक सॉरी बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है। जब इस तरह का ट्रायंगल सूर्य पर्वत पर बनता है तो व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती है, लगभग सारी इच्छाएं। ये बहुत अच्छी साइन है। दूसरी एक पूरी ये इस तरह का शेप बन रहा है धन रेखा को मिला के। ये लोग एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टियां जमा करते हैं जीवन में, मल्टीपल प्रॉपर्टियां इनके जीवन में आती है, मल्टीपल, इस साइन के कारण। धन रेखा और हृदय रेखा के ऊपर जिस तरह का स्क्वायर बनता है उसके कारण। अब ये स्क्वायर है तो ये फैला हुआ कामकाज यानी मल्टी सिटी का कामकाज या तो इनका होगा या इनके परिवार का या इनके पतिदेव का होगा। ये स्क्वायर मल्टी सिटी का काम देता है व्यक्ति को, और इतना बड़ा स्क्वायर तो यानी इंटरनेशनल लेवल तक व्यक्ति अपने जो सप्लाई का सोर्स है या जो कामकाज है उसको फैला सकता है इतने बड़े स्क्वायर में। तो ये बहुत बड़ी प्लस साइन है, और ये स्क्वायर भी व्यक्ति के जीवन में वेल्थ देता है। इस पाम पर वेल्थ की बहुत सारी साइन है। अब चलते इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर पहली नज़र में देखे तो एक ये फिश बन रही है यहाँ। ये अगर पीछे से पैक होगी तो ये इनका जो धर्म के प्रति जो नज़रिया होगा वो आम इंसान से अलग होगा। ये इस फिश का कोई धन से कोई लेना देना नहीं, इसका धर्म से लेना देना है। ये लोगों का जो धर्म के प्रति जो आस्था होती है वो आम इंसान से कंप्लीट अलग होती है। नहीं ये किसी को समझा पाते, अगर ये समझा भी देंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। पर शर्त ये है कि ये फिश पीछे से पैक होनी चाहिए तो ये लाभ इनके जीवन में होता होगा। अब ये भी एंटेना बने हुए है तो ये भी अच्छा खासा मनी रिसीविंग का काम करती है और झोली में देते व्यक्ति के, तो ये भी प्लस पॉइंट है। और कंप्लीट रेखा चल रही है कंटिन्यू, तो व्यक्ति बुढ़ापे तक अच्छा खासा धनी होता है। और जब इस तरह की रेखा व्यक्ति के जीवन में होती है तो व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी बुढ़ापा आने के बाद 56 के बाद अच्छा खासा खर्च करता है अपने जीवन में, क्योंकि उसका भंडार काफ़ी भर गया रहता है और अपने दिल से खर्च करता है। तो ये प्लस पॉइंट भी इनके जीवन में है। और यहाँ पर बनने वाले बहुत सारे स्क्वायर ये इनको पुश्तैनी जायदाद देने में सक्षम है, अच्छी खासी पुश्तैनी जायदाद के ये मालिक बनेंगे। तो ये स्क्वायर उस तरफ इशारा कर रहे। अब इनका गुरु पर्वत भी देखने लायक है, बहुत अच्छा गुरु पर्वत है, अपने आप में उठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को जो परिवार की प्रॉस्पेरिटी, जैसे कहते ना जिसका गुरु बिगड़ा उसका पूरा जीवन बिगड़ा, तो जिसका गुरु अच्छा उसका पूरा जीवन अच्छा। तो इनका जीवन अपने आप में उठा हुआ, ये देखो इनका उठाव कंप्लीट बीच से, बहुत रेयर में इस तरह का उठाव मिलता है किसी के जीवन में। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है इनके जीवन में। और इस पर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइनें चल रही है, तो ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा कर रही है। और ये साइन ही इनको अकड़ साइंस में भी इंटरेस्ट दिलाएगी। ऐसे लोग अकड़ साइंस में इंटरेस्टेड होते और समय मिलने पर अच्छा खासा ज्ञान ले लेते और जीवन में उसका यूज भी करते, और ये मल्टीपल अर्निंग की भी साइन है। अब यहाँ पर स्क्वायर भी बन रहे, अभी इतने अच्छे पाम के अंदर इतना बड़ा स्क्वायर,
यानी ऐसे लोगों को बहुत बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलता है। और एक चीज, 32 साल के पहले खुद का घर, अब बहुत लोगों का परिवार बड़ा रहता है, उनके पास घर रहते हैं, तो हो 32 साल के पहले कोई ना कोई जमीन ले लेते, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर लेते, पर 32 साल के पहले कुछ ना कुछ उनके जीवन में आता जरूर है। 36 साल के बाद अथॉरिटी पोजीशन मिलती है, चाहे वो महिला हो या कोई भी हो, चाहे घर की अथॉरिटी पोजीशन हो, कोई ना कोई अथॉरिटी पोजीशन व्यक्ति के जीवन में आती है 36 के बाद उनको मिलती है। और इतना बड़ा स्क्वायर व्यक्ति को बहुत, यानी बोलने की कला में माहिर बनाता है, तो ये भी प्लस पॉइंट होता है। और ऐसे एक स्क्वायर नहीं है, अच्छे खासे स्क्वायर इस गुरु पर्वत पर है, तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है इनके गुरु पर्वत पर, और गुरु पर्वत की लालिमा भी देखने लायक है। अब चलते हैं इनके अंदरूनी मंगल पर। अंदरूनी मंगल देखे तो उंगली दबाने से दबता होगा ये, तो शरीर की जो एनर्जी है वो उस लेवल की नहीं होती व्यक्ति में जैसी होनी चाहिए। ये एक माइनस पॉइंट है इनके जीवन में, शरीर की एनर्जी इनमें कम होगी। अभी तो जवानी है, 36 साल है, पर जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा इनके जीवन में एनर्जी, इनको थकान लगेगी, पैर दुखेंगे, सर दुखेगा, हाथ दुखेंगे, इस तरह का कोई ना कोई कंप्लेन इनके जीवन में चलता रहेगा क्योंकि इनमें एनर्जी कम रहती है। अब चलते इनके बाहरी मंगल की ओर। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, मध्यम है, तो ये किसी से मिलते होंगे तो किसी से तो बहुत अच्छी तरह मिलते होंगे, कंफर्टेबल फील होता होगा, और किसी से एकदम डिस्टेंस रख के सामने वाले को चेक करते होंगे कि वो व्यक्ति विश्वास करने लायक है कि नहीं, और उसके बाद आगे बढ़ते होंगे। इस तरह का दोहरा मापदंड इनके जीवन में होगा क्योंकि बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा उभरा हो तो व्यक्ति एनर्जी के साथ मिलता है, पर इनका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। अब इनका चंद्र पर्वत देखते हैं। चंद्र पर्वत भी फुल लालिमा लिए हुए और क्लीन एंड नीट है, तो ऐसे लोगों में पॉजिटिव सोच होती है, रिफाइंड सोच होती है। ये कोई खरीदने भी जाए व्यक्ति, अगर कोई 50,000 लाख रुपए की वस्तु खरीद कर लाए तो उसकी जो देखने की जो वैल्यू है वो उससे कई गुना ज़्यादा महंगी चीज़ लगेगी, यानी इतनी अच्छी वस्तु ये लोग खरीद कर ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ऐसे लोगों में। चंद्र अच्छा होने पे ज्ञान भी अच्छा होता है व्यक्ति के पास। इनके पास कोई 10-15 मिनट बैठ जाए तो अच्छा खासा ज्ञान लेकर जा सकता है, और विदेश से भी ये इस तरह का साफ चंद्र पर्वत लाभ कराता है, और उस पर कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर थोड़ी सी लालिमा कम है, ये एक माइनस पॉइंट है। हो सकता है अभी फेट लाइन इनकी साथ नहीं दे रही है इसके लिए यहाँ लालिमा ना हो, पर जैसे ही फेट लाइन इनको साथ देगी यहाँ पर लालिमा आ जाएगी, तो ये एक प्लस पॉइंट है। पर ये जो बारीक रेखा है ये इनको बाधाएं लाती है, इसका इलाज मैं इनको दूंगा व्हाट्सएप पर। ये इनको ऐसा लगता होगा जैसे जीवन में किसने जकड़ के रखा है, मुझे आगे बढ़ने नहीं मिल रहा, इस तरह की फीलिंग इनको आती होगी, तो ये एक माइनस पॉइंट है इनके पास। शुक्र पर्वत पर लालिमा भी नहीं है और बारीक रेखाएं है, इसका इलाज मैं इनको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। बाकी शुक्र पर्वत ऐसे योग्य है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लिया हुआ है और बहुत कम भी नहीं है और मध्यम तरह से उभरा हुआ है। अब चलते हैं इनके मनी ट्रायंगल की ओर। मनी ट्रायंगल जब ये साइन आ जाती है तो इतना मनी ट्रायंगल का महत्व नहीं रहता, ये बहुत प्रॉस्पेरिटी धन देने वाली साइन है, फिर भी मनी ट्रायंगल इनके जीवन में बना हुआ है वो यहाँ पर इस तरह से बन रहा है। तो कोई मनी ट्रायंगल बहुत बड़ा नहीं है, पर ये मनी ट्रायंगल जब ये साइन आ जाती है तो मनी ट्रायंगल का इतना महत्व नहीं रहता व्यक्ति के जीवन में, अपार धन संपदा होती है। अब इनकी हृदय रेखा देखते। हृदय रेखा में भी देखे तो गुरु पर्वत से शुरू होती है तो व्यक्ति विश्वासु होता है, और एकदम पतली सी हृदय रेखा चल रही है, और यहाँ से
इस तरह से चल रही है और थोड़ी सी घुमाव ले रही है, तो इनके जीवन में थोड़े से जो भावनाओं के उबार अलग अलग समय पर अलग अलग आएंगे। जैसे यहाँ से ये सीधा चली और यहाँ पर आके ये सीधी हो रही है, तो ये जो पार्ट है थोड़ा सा एक रेखा ऊपर जा रही है। तो इस पीरियड में और कोई खुशी का पल इनके जीवन में आएगा और ये पल होगा लगभग 55 के आसपास। 55 के आसपास इनके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी का पल आएगा या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आएगी, क्योंकि ये रेखा बुध पर्वत की ओर जा रही है और हृदय रेखा काफी स्मूथ है। हाँ, केवल इस पार्ट में थोड़ा सा, पर ये यव नहीं है तो अच्छा है, इस पार्ट में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल, पर ये 65 साल की उम्र के आसपास है, अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल या ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। हृदय रेखा काफ़ी बढ़िया है और ये जो ऑफ शूट है ये जीवन में बहुत बड़ी खुशी देगा इनको। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन पर। माइंड लाइन देखे तो इनके दो टाइप की माइंड लाइन है, एक अंदरूनी मंगल से निकल रही है यानी थोड़ा सा बैंड हो रही है वहां पर और यहां आके रुकी, यहां आकर रुकी और यहां से एक और रेखा माइंड लाइन निकल के ऐसे चल रही है और ये एक रेखा है जो इसको जॉइंट कर रही है। तो हो ना हो जीवन के इस पड़ाव पर इनका माइंड चेंज होगा और इसका संबंध यहां से भी जोड़ सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आएगी जो इनको और खुशी प्रदान करेगी और इनकी माइंड लाइन अप टू एंड तक जा रही है। यहां कोई दुख का सब्जेक्ट नहीं आने वाला इस पार्ट में, ये खुशी कोई ऐसी आएगी इनके जीवन में जो इनको अपार सफलता देगी और वो लगभग 55 साल 52 के बाद की के पीरियड में इनके खुशी ये मिलेगी। तो इनकी माइंड लाइन अच्छी है, मुझे कोई दोषारोपण इस माइंड लाइन पर दिख नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा कहीं पर दबाव है तो वो साधारण हर एक के जीवन में होता है, तो उसको कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये लगभग होगा दबाव, चालीस बयालीस के आसपास दिख रहा है, पर ये कोई दबाव नहीं कहा जाता, इसका कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब चलते इनकी जीवन रेखा की ओर। जीवन रेखा देखे तो यहां तक से एक ऑफ शूट निकल रहा है और ये उम्र होगी लगभग 26 के आसपास। तो जीवन 26 के आसपास इनके जीवन में कोई बदलाव आया होगा और ये इनकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी। हाँ, और ये पीरियड में थोड़ी सी राहु रेखा इनको परेशान कर रही है। ये पीरियड होगा लगभग एक 52 के आसपास और एक लगभग होगा 60 के आसपास। ये दो राहु रेखा है, कोई ना कोई जीवन में एक हल्का सा, कोई ज़्यादा हैवी राहु रेखाएं नहीं है कि ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत है, कोई ना कोई एक टेंस आएगा जीवन में 6 महीना 3 महीने का, इससे ज़्यादा कोई समय इनके टेंस रहने वाला नहीं है। बाकी ये कंटिन्यू ट्रायंगल बने हुए इनके जीवन रेखा पर, तो कंटिन्यू प्रोग्रेस दिख ही रही है, तो जीवन रेखा अच्छी खासी है। हाँ, थोड़ी सी पतली है तो इस पार्ट में हो सकता है थोड़ा सा मोटापा आए। ये उम्र होगी लगभग इनकी उस समय 40 के आसपास, इनके उम्र में थोड़ा सा मोटापा आ सकता है 40 से लेके 48 के आसपास तक, पर उसके बाद वापस इनकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी कम भी हो जाती है जब मोटापा आता है जीवन में। अब चलते हैं इनके जीवन रेखा के अंत पार्ट में किस तरह से बन रहा है। अब ये जीवन रेखा चलते चलते यहाँ से ये रेखाएँ यहाँ पर जॉइंट हो रही है और ये इनकी जो धन रेखा थी ये इनकी जीवन रेखा बन रही है। तो ये भी विदेश जाने के मौके इनको अच्छे खासे मिलेंगे और इस पीरियड में कोई मोटा बदलाव आएगा इनके जीवन में पॉजिटिव। ये होगा बदलाव लगभग 55-60 के आसपास और इनकी जीवन काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा।
तो हो सकता है इस रेखा का इस रेखा के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, यहाँ से बदलाव की शुरुआत होगी और ये बदलाव 20 कम से कम 7-8 साल का पीरियड लेता है और उसके बाद जीवन रेखा इनकी ये बन रही है। तो ये भी विदेश से संबंध बनते दिख रहे इनकी जीवन रेखा पर। और एक रेखा एक साइन और यहाँ पर बन रही है जो एक फिश बन रही है यहाँ पर। तो हो ना हो इनके बचपन में अगर ये धन रेखा से जॉइंट है तो हो ना हो इनके जन्म लेने के बाद इनके पीहर पक्ष में बहुत ज़्यादा धन आया हो इस रेखा के कारण, ये फिश के कारण। हो ना हो ये चांसेस बढ़ जाता है जब इस तरह की साइन धन रेखा से टच होती है। अब चलते इनके फेट लाइन पर। फेट लाइन को भी समझने जैसी चीज है। यहाँ से स्मूथ चली चंद्र पर्वत से, लोगों का सहयोग दिखा रही है और ये पार्ट में आकर कमजोर पड़ रही है। ये पीरियड देखिए आप, कंप्लीट कमजोर। यहाँ तक स्ट्रांग चली, यहाँ तक उम्र 30-31 तक स्ट्रांग चली और उसके बाद ये कमजोर पड़ी। और यहाँ पर दो राहु रेखा ने वार भी किया। एक उम्र लगभग 32 के आसपास वार है और एक उम्र लगभग 36 के आसपास छोटा सा वार है। और यहाँ पर फेट लाइन काफ़ी हल्की भी है और उसके बाद ये फेट लाइन अच्छी खासी स्ट्रांग होकर आगे बढ़ रही है। और यहाँ से इस तरह से फेट लाइनें निकल रही है जो मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट कर रही है इनके जीवन में। तो यहाँ के बाद 36 के बाद एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रांग फेट लाइन बन रही है अप टू एंड तक। तो ये प्लस पॉइंट है इनके जीवन में। और एक रेखा इनकी हृदय रेखा से निकलकर ये यहाँ पर आगे बढ़ रही है। तो ये लगभग 40 की उम्र में इनके पास कोई ना कोई परिवार के लिए बहुत बड़ा एक्सपेंस करेंगे। ये व्यक्ति या तो बहुत बड़ा घर लेता है, बहुत बड़ा कोई शादी का खर्चा करता है या कोई ना कोई धार्मिक खर्च हो, कोई ना कोई जीवन में इनके इस पीरियड में बहुत बड़ा खुद से किया हुआ खर्च होता है। जब हृदय रेखा से कोई रेखा आकर काटती है तो व्यक्ति खुद की इच्छा से खर्च करता है, वो यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद इनके कोई राहु रेखा ये भी परिवार का खर्च दिखा रही है, कोई राहु रेखा का वार ही नहीं है। तो इनका जीवन बस ये इतनी सी तकलीफ को छोड़ दे 5 साल की, तो इस पीरियड को छोड़ दे तो उसके बाद कोई इनके धन रेखा पर दबाव अप टू एंड तक नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कहीं पर भी कोई दबाव नहीं है। तो आशा रखता हूं। हाँ, इनका एक और प्रश्न था संतान का। तो ये यहां पर एक बहुत बड़ा यव बन रहा है। तो बहुत बड़ा जब यव होता है तो ये संतान मेल संतान की ओर इशारा करता है और ये जो छोटा यव है वो फीमेल संतान की ओर इशारा करता है। पर फिर भी पामेस्ट्री में संतान को उस तरह से अच्छी तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से कुंडली में देखा जाता है। पर इनके संकेत जरूर है इनके मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।